आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं समिट से रिलेटेड क्वेश्चन, इसको हम लोग बोलते हैं डेटा समराइजेशन। तो हमने लास्ट क्लासेस में समिट को एक्सप्लेन किया था और हम आपको भेजे थे एक फाइल, और उस फाइल में थे कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन अपना डेटा समझिए, मेरे पास नेम, सिटी, क्वांटिटी, एमआरपी और डेट वाइज डेटा है, और मुझे समरी में यहाँ पे कि मैं किस पर्टिकुलर नेम के पर्टिकुलर सिटी, ईयर और उसके मंथ के अकॉर्डिंग क्वांटिटी का सम और एमआरपी का टोटल निकालना है। ओके, तो सबसे पहले इस चीज को जानिए कि हाउ कैन सम बिटवीन टू डेट्स। जैसे अगर 17 है तो मुझे अगर मान लीजिए कि 1/1/2017 से 31/1/2017 का डेटा चाहिए, तो दो कैसे करोगे? तो याद हुआ कल की क्लास में हमने आपको जानिए कि हमने आपको बताया था कि अगर मुझे अगर 74 मान लीजिए कि 62 80 का अगर सम टोटल निकालना है, तो हमने इसको यूज किया था समिट। कल इस चीज को हमने आपको एक्सप्लेन किया था, समिट जिसमें हमने सम रेंज दिया था कॉमा, एक बार और सब क्राइटेरिया 1 रेंज दिए थे और बोले थे कि इसमें से ग्रेटर दैन इक्वल टू 60, राइट सर। और फिर हमने वापस इसी को दिया था और इसको हमने क्राइटेरिया दिया था इज लेस देन इक्वल टू, हमें बिटवीन टू डेट्स में आ गए। और जैसे क्या हमने बताया कि डेट भी एक तरह का नंबर होता है ना, तो मैं भी यहाँ इसी में दौर पे मैं यहाँ पे सम इट्स लगाऊंगा और सम इसमें दूंगा सम रेंज, क्राइटेरिया 1 रेंज, और क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया में ग्रेटर देन इक्वल टू लगाना है, तो इसके लिए हम कॉन्फिडेंट कर लेंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जनवरी 2017। और फिर वापस हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे हम लेस देन इक्वल टू देंगे क्या 31 जन 2018, एंटर मारते हैं हमारा रिजल्ट, पता चल गया। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि यहाँ तो जैन है, इसका फर्स्ट डेट और लास्ट डेट कैसे पता चले? तो हमने यहाँ पे हम तो पता है कि फर्स्ट डेट क्या होता है। हेलो हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए। सर रिकॉर्डिंग तो प्रिंस टाइम पे आया, किसी से रिकॉर्डिंग की परमिशन टाइम पे मिल जाती है, इनको चाहिए विजय जी को चाहिए ना। परसों जी बाकी तो मोबाइल फोन से मिलती है। तो यहाँ पे आगे इसकी फर्स्ट डेट और लास्ट डेट लिए क्या लगाएंगे दीपक जी? दीपक जी लास्ट डेट ईओ मंथ इसको सेलेक्ट करेंगे एंड कॉमा जीरो करेंगे, भूल गए? तो फॉर स्टार्ट फर्स्ट डेट और लास्ट डेट आ गया। अब यहां पे मैं सम इट्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, जैसे कि अभी सबसे पहले हमने लगाया था सम इट्स, डेटा में जाएंगे, सम रेंज हमारी क्वांटिटी है, क्राइटेरिया 1 रेंज हमारा है नेम, क्राइटेरिया यहाँ पे A1 है, क्राइटेरिया 2 रेंज है हमारा यहाँ पे B1, एंड क्राइटेरिया 3 रेंज है इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं रेफरेंस ऐसे ही दे रहा हूं बाद में चेंज कर दूंगा, D11। वापस क्राइटेरिया दिया कॉमा, हमने यहां पे लेस देन इक्वल टू एन परसेंट F11, रिजल्ट जीरो आएगा, हमने यहां पे कर दिया है। यहां पे A1 नहीं होगा, यहां पे होगा हमारा नेम B2 पे है, यहां B2 हो जाएगा
और यहाँ सिटी जो हमारा सी टू पे बी टू पे बी थ्री सॉरी बी थ्री बी थ्री और यहाँ जो हमने दिया है ई में इलेवन तो बी इलेवन नहीं होगा बी एट होगा और यहाँ पे एफ नहीं होगा ई होगा. ऐसा क्यों किया हमने हम सिलेक्ट क्यों नहीं किया सिलेक्ट हम इसलिए किया कि अगर हम इसको यहाँ पे मान लीजिए सम सम टिप्स कराते हैं दिखा देता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया सम रेंज कॉमा क्राइटेरिया वन रेंज और जैसे हम यहाँ समरी पे आते इसको सिलेक्ट करते समरी बी टू हो जाता तो फॉर्मूला थोड़ा लंबा हो जाता इसलिए दिखा सर आपको. हेलो इसलिए कुछ कुछ रेफरेंस दे दिया बाद में उसको हमने अपने हिसाब से चेंज किया. अब इसको मर्ज करना है अब मैंने इसको कॉपी किया बी एटीन के जगह पे पेस्ट कर दिया और यहाँ भी हमारे पास है डी एट डी एटीन डी एट है उसके जगह पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा और फिर वापस ई ओ मंथ को लेता हूँ कॉपी करता हूँ और यहाँ भी जहां हमारा ई एटीन है उसके जगह पे हमने पेस्ट कर. अब इसको नीचे ड्रैग करना है तो बी टू को फ्रीज करना होगा बी थ्री को फ्रीज करना ठीक है और यहाँ पे एक और है बी फोर हमें बी फोर को भी फ्रीज करना होगा ईयर जो है हमारा. अब इसको नीचे ड्रैग करना अब मुझे एमआरपी का एवरेज चाहिए तो मैं इसी फॉर्मूला को कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट करता हूँ. अब ऐसे बोले सर आपने कॉपी करके पेस्ट क्यों किया आपने ड्रैग क्यों नहीं किया. ड्रैग करने पे हमारा रेफरेंस चेंज हो जाएगा ना इसलिए ड्रैग हम कब करेंगे जब मेरे पास बहुत सारा हो तो फ्रीज करके ड्रैग करेंगे ना दो ही है इसलिए हमने ड्रैग नहीं किया. और यहाँ पे सम इफ के जगह पे सब कुछ सेम रहेगा सम इफ के जगह पे एवरेज इफ हो जाएगा और यहाँ पे आपका एवरेज. अब दीपक जी विजय जी सर विशाल जी एंड परसों जी बाकी सबका नाम बोल नहीं रहा हूँ डाउट किसी भी तरह सर एक बार रिपीट कीजिए ना. नहीं सिंपल सी बात समझिए कि हम दो नंबर्स के बीच में निकाल सकते हैं सम इफ्स में हम यहाँ पे ग्रेटर देन और लेस देन दे देंगे तो आ जाएगा. जैसा मैं बोल दिया कि भाई सी बाई सी में ग्रेटर देन 60 और सी बाई सी में लेस देन 80 होना चाहिए आ गया. तो भी हमारा एक तरह का नंबर ही होता है ना जी सर. तो हमने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे हमने बोला कि भाई ई कॉलम में डेट कॉलम में G5 से ऊपर मतलब एक 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 जनवरी 2017 से बड़ा और 31 जनवरी 2017 से छोटा होना चाहिए तो बिटवीन टू डेट्स आ गया जी सर. अब समझिए ना मेरे पास सिर्फ महीना है और ईयर यहाँ पे हम जानते हैं कोई भी महीना एक तारीख से स्टार्ट होता है. हमने कॉन्फिडेंट किया एक डैश जनवरी और यहाँ पे फिर वहां पर एन परसेंट लगा के डैश दिया और हमने दिया 2017 एक डेट बन गया बन गया ना सर. तो हमने स्टार्टिंग डेट डाले की पर बट एंडिंग डेट जो है हर मंथ का अलग अलग होता है. तो एंडिंग मंथ के लिए हमारे पास ईओ मंथ का फॉर्मूला था जिसमें हमने स्टार्टिंग डेट डाला और मुझे इस महीने की लास्ट डेट दिखा दी. ठीक okay. था हमने समिप्स लगा दिए. समिप्स में हमने बोला कि भाई पहले नेम को पकड़ लो फिर सिटी को पकड़ लो फिर डेट में ग्रेटर देन स्टार्ट डेट और लेस देन एंड डेट हो गया. ऑल जी वर आउट. तो बाकी क्वेश्चन इसी के बिहार पे कीजिए कि जैन से मान लीजिए मुझे अगर जुलाई का चाहिए तो जैन से जुलाई का यहाँ टोटल सिटी वाइज आना चाहिए यहाँ ईयर के हिसाब से और यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करूँ तो मुझे इसकी क्वार्टर्स की टोटल आना चाहिए और मैं यहाँ मंथ सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे उसके वीक की टोटल आना चाहिए. इसलिए करना है आपको जो भी महीना जो भी पीरियड सेलेक्ट करते हैं उसके स्टार्ट डेट और एंड डेट निकालना है और सबमिट करना है.
समीप्स लगा देना। जी सर। तो ये फाइल में वापस आप लोगों को भेज रहा हूँ और मुझे इसकी चाहिए। और जितेंद्र जी बाकी लोग सबसे रिक्वेस्ट है कि आपने प्रोजेक्ट स्कोर शाम के टाइम या दोपहर के टाइम भेजा कीजिए। क्लास के समय भेजेंगे तो मैं क्लास की टॉपिक के बात करूंगा या फिर आपको प्रोजेक्ट ऊपर जहां पर देखूंगा ना। और सर आज टीचर डे है, आप लोगों ने मुझे मिस नहीं किया ना। सर आप भी टीचर डे। सर आप भी टीचर डे। कितना है? हाँ सर वो ध्यान से उतर गया सर, गलती है सर हमारी। रात को मेरे बेटे ने लड़के रात को 9 बजे गिफ्ट करवाया, तब पता चला कि ओ आज तो टीचर डे। मुझे 4 साल का लड़का है, एलकेजी में पढ़ता है, बोलता मुझे मैम को देना है गिफ्ट तो देना है, कल टीचर्स डे। मैंने बोला जाओ पहले पता करो कि टीचर्स डे क्यों मनाया जाता है। वो कह गया ब्रदर है दिल्ली में रहते हैं, उनको फोन किया व्हाट्सएप कॉलिंग से। नॉर्मल कॉलिंग तो नहीं कर पाता है, व्हाट्सएप कॉलिंग कर लेता है क्योंकि उसकी फोटो आता है ना। तो व्हाट्सएप कॉलिंग करके पता किया क्यों होता है, मुझे बताया